सावित्री को नारद मुनि व परिवार के अन्य जनों ने बहुत समझाया, लेकिन सत्वान से ही शादी करने की जिद पर दृढ़ रहती है। राजा अश्वपति भी अब मजबूर हो जाते हैं और तैयारी करते हैं सत्वान के घर बारात ले चलने की। प्रेमियों, हमारे हिंदू धर्म में लड़की की बारात किसी लड़के के घर जाने की यह भी एक मिसाल है। शादी का सब सामान भोजन सहित लेकर महाराज अश्वपति सावित्री को भी साथ लेकर धूमधाम से सत्वान के पिता दुमतसेन के घर वन में पहुंच जाते हैं। कहने लगे दुमतसेन से कि हे श्रीमान, मैं अपनी लड़की सावित्री की शादी करने आपकी शरण में आया हूँ। मेरी इज्जत आपके हाथ में है, कृपा करके मुझे निराश नहीं करना और मैं शादी की सब सामग्री का प्रबंध करके भी लाया हूँ, इसलिए कोई चिंता भी नहीं करनी है। बस दोनों बच्चों को आशीर्वाद दो। और इस प्रकार से क्या कहते गए। दुमत सैन इस बात मेरी मैं न झुची एक रति से, शरण पड़े की आस तोड़ दे तो उसकी मून मती से। पति अपने दिल का अब आप बरम खोड़े से, हाँ सोच समझ के बात करें ने तू मुखड़ा मोड़े से। मैं आशा करके आया शरण में, क्यों लगी आस तोड़े से। किसी राड़ का मेड़ मुला जा ते परमेश्वर जोड़े से, किसी राड़ का मेड़ मुला जा ते परमेश्वर हम बापुर बेटी जाने से। बापुर बेटी जाने से जो दुख सुख यारी गति से, जो शरण पड़े की आस तोड़े से उसकी मूल मति से। सुमत चैन यस बात मेरी मैना चुकी एक मति से, शरण पड़े की आस तोड़े से उसकी मूल मति से। सैन कहने लगे कि महाराज आप साहूकार हैं, मैं कंगाल हूँ, मेरी औकात कहाँ कि मैं आपसे रिश्तेदारी के संबंध जोड़ूं। तो अश्वपति कहते हैं कि नहीं श्रीमान जी, ये चिंताएं तो आपकी व्यर्थ है। और क्या कहने लगे। हाँ कंगले ओरे, कंगले और साहूकार की चिंता तो सो कोस परे ना। हाँ सब सामग्री मेरे साथ में, मन में कति डरे ना। गहने वस्त्र की चिंता तू मन में कति करे ना। बेटी की शादी करे बिना ते जग में कति सरे ना। बेटी की शादी करे बिना ते जग में कति सरे ना। मेरी बेटी से बर के योग, हाँ मेरी बेटी से बर के योग ये। बेटा सत्वान पति से जो शरण पड़े की आस तोड़ दे उसकी मूल मति से। तुम सतैन यस बात मेरी मैना श्रीमान जी।
मेरी पुत्री बड़ी योग्य है, यह बेशक बनखंड में रह सकती है, दुख में सुख में जी जान से आपकी सेवा कर लेगी। और के बोले हाँ नहीं जरूरत इस रंग महला की या बनखन में रह लेगी। हाँ नहीं डरे तकलीफ पड़े थे आप कष्ट सह लेगी। परवाह मत ना करे बात किया राम रमी कह लेगी। सब बाता ने जाने से या तेल तरह बहलेगी। सब बाता ने जाने से या तेल तरह बहलेगी। रूपवान गुणवान सही थियो रूपवान गुणवान सही थियो लड़का विद्वान जती से शरण पड़े की आस तोड़ दे। कर्मा करके लागण देने प्रेम रूप के झोले। हाँ वेद नहीं मेरे भीतर ले मैं चाहे रूम रूम में टोहले। लक्ष्मी चंद सब पाप छोड़ तू सीधे रस्ते होले। फिर राजा की करण सफाई और ब्राह्मण बोले। फिर राजा की करण सफाई और ब्राह्मण बोले। अशुपति सच कह भूप हाँ अशुपति सच कह भूप है ना इसमें फर्क कति से